नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका आपके चैनल नई सीप में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नई सीप पे दोस्तों नई रेसिपी आज हम लेकर आए हैं पनीर लहसुनी। इसका नाम जितना अट्रैक्टिव है दोस्तों, ये खाने में उतना ही ज्यादा यम्मी है और ये बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें लहसुन की क्वांटिटी होती है जो थोड़ी सी ज्यादा होती है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं पनीर लहसुनी बनाना। पनीर लहसुनी बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिए हैं गरम मसाला। तो हम 2 चम्मच गरम मसाला लिए हैं, 1/2 चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर है, 3 चम्मच के लगभग यहाँ पे हम धनिया पाउडर लिए हैं, 1/2 चम्मच यहाँ पे जीरा है, 1.5 चम्मच यहाँ पे हम बेगी मिर्च पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे हम नमक लिए हैं, 2 प्याज का हम पेस्ट बना लिए हैं। तो इस तरीके से प्याज को आप देख सकते हो और 2 छोटे छोटे प्याज थे जिसे हम छोटे छोटे में चॉप कर लिए हैं, थोड़ा सा हमारे पास हरी मिर्च है, थोड़ा सा ये अदरक था जिसे हम अच्छी तरीके से कूट लिए हैं और हमारे पास लहसुन है। तो लहसुन की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है दोस्तों और इसे दरदरा ही रखना है, तभी इसमें लहसुनी का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। 4 टमाटर है जिसकी हम प्यूरी बना लिए हैं और थोड़ा सा हमारे पास दही है करीब 3 से 4 चम्मच के लगभग। अब चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पनीर लिए हैं, तो पनीर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप ले सकते हो। तो एक कढ़ाई में हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जीरा डालेंगे, उसके बाद इसमें हरी मिर्च और हम अदरक वगैरह डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे और भूनेंगे। करीब 1 मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे, तब ये हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा। तब इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। तो सबसे पहले जो प्याज को हम चॉप किए थे छोटे छोटे में, हम उसे डाल रहे हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब ये प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें आगे की चीज़ें डालेंगे। तभी आप देख सकते हो ये हल्का सा फ्राई हो गया है, तो इसमें हम जो प्याज का पेस्ट बनाए थे उसे डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप जितने अच्छे से प्याज को भूनोगे आपकी सब्जी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो हम इसे ढक कर बीच बीच में अच्छी तरीके से भून रहे हैं। तो देख सकते हैं ऑयल वगैरह भी काफ़ी अच्छे से छोड़ने लगा है। इसमें आप स्टार्टिंग में ही नमक वगैरह मत डालिएगा दोस्तों, नहीं तो प्याज जो है वो गल जाएगा बट अच्छे से भूनेगा नहीं। तभी आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून गया है। तो इसमें हम एक एक करके सारे मसाले डाल देंगे। तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, जो भी मसाले आप यूज कर रहे हैं आप उसे इसमें डाल दीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों हम सारे मसाले को डाल दिए हैं। अब चलिए हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं। मसालों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ सके। तभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मसाले और प्याज एक दूसरे में मिल गए हैं। अब इसे फिर से ढकेंगे और हम मसालों को अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है मसाला छोड़ने लगा है। अब इसी के साथ इसमें हम लहसुन डाल देंगे। तो आप देख सकते हो लहसुन की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। तो आप 20 से 25 कली लहसुन ले लीजिएगा दोस्तों। इस तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से भून लिए हैं। लहसुन भी दोस्तों अच्छे से भून गया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बस इतना पानी डालना है कि प्याज जो है वो गीला हो सके। तो आप देख सकते हो प्याज गीला हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसे भूनेंगे, क्योंकि टमाटर के साथ दोस्तों हमें मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है। इस तरीके से अभी हम मिला लिए हैं, अब इसे ढक देंगे और ढक कर हम इसे भूनेंगे। देख सकते हो थोड़ी देर बाद ये काफ़ी अच्छे से भून रहा है। तो अब इसमें हम नमक डाल दिए हैं। नमक दोस्तों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। जब प्याज और टमाटर अच्छे से भून गया है दोस्तों आप देख सकते हो, तो इसके बाद इसमें हम दही डाल दिए हैं। जब टमाटर अच्छे से भून जाएगा उसके बाद ही आपको इसमें दही डालना है। दही को डालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। जब दही दोस्तों आप डालते हो तो आपको उस टाइम सब्जी को कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो सब्जी जो है आपकी दही जो है फटने लगेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पनीर डाल दिए हैं जो कि इस तरीके से हाथ से ही मैश किए थे, जिससे ग्रेवी में थिकनेस बहुत अच्छी आती है। अभी आप देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से भून गई हैं। तो इसमें हम पानी डाल दिए हैं ग्रेवी के अकॉर्डिंग। ये सबसे लास्ट प्रोसेस है दोस्तों, इसके बाद इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, मतलब पानी वगैरह और जो भी चीज़ें हैं मसाले वगैरह सारे पड़ चुके हैं। तो अब पानी हम डाल के इसे ग्रेवी बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ग्रेवी कितनी अच्छी तरीके से पक रही है और इसमें ऑयल भी काफ़ी अच्छे से छोड़ दिया है। आपको पतला या मोटा जो भी ग्रेवी रखनी है दोस्तों आप उसके अकॉर्डिंग पानी इसमें डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी रख रहे हैं। अब इसी के साथ इसमें हम पनीर डाल दिए हैं और इसे अब अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो पनीर डालने के बाद कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है हमारा सब्जी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पनीर डालने के बाद अब इसे बस 2 मिनट ही पकाइएगा, उससे ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं पनीर जो है टाइट हो जाएगा। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिए हैं। हरे धनिया की जगह पे आप चाहो तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। अब इसे अच्छी तरीके से एक बार मिलाएंगे और थोड़ी देर हम इसे करीब 1 मिनट तक ही पकने देंगे।
तब हम गैस से ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे ताकि धनिया का फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ सके। अब इसे हम सर्व कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी वगैरह कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और ये बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। इसे आप नॉन के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ या राइस के साथ खा सकते हैं। ये सभी चीज़ों के खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसे आप घर पर बना के जरूर ट्राई करिएगा। इसे आप किसी फेस्टिवल पर या गेस्ट आए तो आप इसे बहुत ही झटपट बना सकते हो। तो उम्मीद है कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई। ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए मैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।